छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सिलगेर और टेकलगुड़म जाने वाले रास्ते में नक्सलियों ने जवानों के ट्रक को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया, जिसमें दो जवान मौके पर शहीद हो गए हैं। दरअसल जगरगुंडा क्षेत्र स्थित सिलगेर कैंप में जवानों का मूवमेंट आरओपी ड्यूटी के दौरान ट्रक और बाइक से टेकलगुड़म की ओर जा रहा था। वहीं रास्ते में नक्सलियों ने आईईडी प्लांट कर रखा था। जैसे ही जवानों से भरा ट्रक वहां से निकला तो वह आईईडी की चपेट में आ गए, जिससे दो जवान शहीद हो गए। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के कैंप सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है।